अमित आर्ट्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं किसी भी ग्रीटिंग कार्ड के लिए एनवलप कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक प्रिंटेड पेपर, फेविकॉल और कैंची। तो चलिए अब एक कार्ड लेते हैं और उसका एनवलप बना के दिखाते हैं। हम कार्ड को खोल के रखेंगे और उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड का एक्स्ट्रा पेपर जो है वो हम फोल्ड कर देंगे। इसे बिल्कुल प्रॉपर पकड़ कर आपको सीधा फोल्ड करना है और थोड़ा सा ढीला रखना है अंदर से कार्ड की जगह को। बिल्कुल फिट टू फिट नहीं आपको बनाना है। अंदर का कार्ड आप हिला के चेक कर लीजिए। अगर कार्ड इजी हिलता है इसका मतलब एनवलप हमारा अच्छा बनेगा। अब थोड़ा कार्ड बाहर निकाल कर उसका वन पार्ट फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से इसको प्रॉपर इस तरीके से फोल्ड कीजिए कि कहीं से भी कोई लाइन बाहर ना निकले। और अब इसका सबसे लास्ट पार्ट भी हम फोल्ड कर देंगे। अब इसको एक ट्रायंगल शेप में हमें कट करना है, तो सेंटर निकालेंगे। सबसे पहले कार्ड को हम साइड में रख देते हैं। अब सेंटर हमने निकाल लिया है, कैंची से एक तिरछी लाइन काट देंगे तो खोलने पर ये एनवलप का लुक दिखेगा। अब एक्स्ट्रा यूजलेस पेपर को हम कट कर देंगे और कैंची की सहायता से जो पेपर हमारे काम का नहीं है उसे हमने निकाल दिया। अब इस तरीके से हमारा एक एनवलप बनकर तैयार हो जाता है। बस हमें किसी भी एक हिस्से पर फेविकॉल लगा कर इसे चिपका देना है। हम बहुत कम फेविकॉल का यूज़ करेंगे ताकि हमारे पेपर पे सल ना बने। मतलब फेविकॉल लगाएं और इसे आपस में चिपका दें। ये देखिए इस तरीके से जिस साइज़ का चाहें एनवलप खुद ही बना सकते हैं। उसके अंदर हम कार्ड रखकर और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर